जब राजा को पता चला कि एक हफ्ते में मृत्यु आना निश्चित है, तो वो अपनी मृत्यु का समाचार मिलते ही खुश हो गए। उस श्राप को उन्होंने शुभ समाचार समझ के अपने अंदर सांसारिक वैराग्य उत्पन्न करने के लिए खुश हो गए। महाराज परीक्षित आत्म साक्षात्कार की अन्य विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भावनामृत में एकाग्र करने के लिए गंगा नदी के तट पर दृढ़तापूर्वक बैठ गए। गंगा जल भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल से मिश्रित रहते हैं, इसीलिए जिसकी भी मृत्यु होनी है सब लोग इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इस प्रकार राजा परीक्षित ने संकल्प किया और आमरण उपवास करने तथा भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करने के लिए वे गंगा नदी के तट पर बैठ गए। इस अवसर पर बड़े बड़े मुनिजन अपने शिष्यों के सहित वहां पर तीर्थ यात्रा के बहाने उपस्थित हो गए। ब्रह्मांड के सभी जगह से बड़े बड़े मुनि वहां आए थे, जिनका नाम है अत्रि, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमी, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगिरा, परशुराम, उत्तथ्य, इंद्रप्रमद, इम्बाहु, मेधातिथि, देवल, आष्टिसेन, भारद्वाज, गौतम, पिंपलाद, मैत्रेय, और्य, कवस, कुंभयोनि, द्वैपायन तथा महापुरुष नारद। इनके अतिरिक्त वहां अन्य अनेक देवर्षि राजा तथा विभिन्न मुनियों के वंशज विशिष्ट राजा आए थे। जब वे सब महाराज से मिलने आए तो महाराज परीक्षित ने सिर नवाकर उनको नमस्कार किए और उनका स्वागत किए। भाग्यशाली राजा ने कहा, मैं अत्यंत धन्य हूँ, ऐसे ऐसे महापुरुषों का मुझे अनुग्रह प्राप्त हो रहा है। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि भगवान ने मेरे ऊपर ब्राह्मण श्राप के रूप में बहुत अत्यंत कृपा की है कि मुझे ये श्राप मिला है। मुझे बचाने के लिए भगवान मेरे समक्ष इस तरह प्रकट हुए हैं कि मैं भयवश अपने आप को संसार से मुक्ति पा लूं। महाराज परीक्षित विनती कर रहे हैं, हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार कर लीजिए। माँ गंगा, आप भी मुझे शरणागत के रूप में स्वीकार करिए, क्योंकि मैं पहले से अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण किए हुए हूँ। अब चाहे तक्षक नाग या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत डस ले, मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि आप सब भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करते रहें और मैं सुनता रहूँ। महाराज परीक्षित गंगा के दक्षिणी तट पे कुश के बने आसन पे पूरब की तरफ मुंह करके अपना मुख उत्तर की ओर कर लिए और बैठ गए। अपना साम्राज्य का भार अपने पुत्र को सौंप दिए। इस प्रकार महाराज परीक्षित आमरण उपवास करने के लिए बैठ गए। स्वर्गलोक के सारे देवता राजा के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे और हर्ष विभोर होकर पृथ्वी पर पुष्प की वर्षा करने लगे और देवी देवता नगाड़े बजाने लगे। सारे ऋषि मुनि प्रसन्न हुए और महाराज परीक्षित को देखकर उनकी इस आमरण व्रत का बहुत सराहनीय बोले। उसी समय व्यास देव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए, जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था। वे स्त्रियों तथा बच्चों से घिरे थे और इस प्रकार वे वेश धारण किए थे मानो सभी लोगों ने उन्हें उपेक्षित समझ रखा हो।
श्री व्यासदेव के इस पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष की थी। उनके पांव, हाथ, जांघें, भुजाएं, कंधे, ललाट तथा शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकोमल तथा सुगठित बने थे। उनकी आंखें सुंदर, बड़ी बड़ी तथा नाक और कान उठे हुए थे। उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था और उनकी गर्दन सुगठित एवं शंख जैसी सुंदर थी। उनकी हँसली मांसल थी, छाती चौड़ी तथा मोटी, नाभि गहरी तथा उदर सुंदर धारियों से युक्त था। उनकी भुजाएं लंबी थी तथा उनके घुंघराले बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे। वे नग्न थे और उनके शरीर की कांति भगवान कृष्ण जैसी प्रतिबिंबित हो रही थी। वे श्यामल वर्ण के तथा अपने युवावस्था के कारण अत्यंत सुंदर थे। अपने शरीर की कांति तथा आकर्षक मुस्कान के कारण वे स्त्रियों के लिए मोहक थे। महाराज परिचित अतिथि सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने के लिए अपना मस्तक नीचे झुकाए। सुखदेव गोस्वामी अपने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। तब सुखदेव गोस्वामी साधु मुनियों तथा देवताओं से इस तरह घिरे हुए थे जिस तरह चंद्रमा तारों, नक्षत्रों तथा अन्य आकाशीय पिंडों से घिरा रहता है। उनकी उपस्थिति अत्यंत भव्य थी और सब द्वारा सम्मानित थे। सुखदेव गोस्वामी शांति भाव से आसन पर बैठ गए। परीक्षित महाराज उनके पास पहुँचे और उन्होंने उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किए और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत भाव से पूछे, हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सबों के लिए तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिया है। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। आपके स्मरण मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं। तो आपको देखने, स्पर्श करने, आपके पवित्र चरण को धोने तथा अपने घर में आपको आसन प्रदान करने के विषय में तो कहना ही क्या है। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं। आपसे मेरी विनती है कि आप सारे व्यक्तियों के लिए एक विशेष रूप से जो मरणासन पर है उनके लिए पूर्ण रूप से मार्ग दिखलाइए। कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य को क्या सुनना, जपना, स्मरण करना तथा पूजना चाहिए और यह भी बताएं कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। कृपा करके मुझे यह सब बतलाइए। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी अपनी मीठी वाणी, मधुर भाषा से परीक्षित महाराज को और सारे उपस्थित देवी देवता ऋषिगण को 7 दिन 7 रात श्रीमद्भागवत कथा सुनाई और परीक्षित का उद्धार हुआ। नमस्कार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।